इस मॉन्यूमेंट के बारे में जो सरकारी पट्टिका लगी हुई है उसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये इसकी मेन बिल्डिंग, इसका मेन हॉल के सामने आप देखेंगे एक अष्टभुजाकार आकृति बनी हुई है। ये तभी से बनी हुई है जब से ये बिल्डिंग, ये मॉन्यूमेंट बना था। यह है इमारत का दाहिना हिस्सा जो कि क्षतिग्रस्त हो चुका है, डैमेज हो चुका है। यह है भारत की पहली बाबरी मस्जिद जिसको बाबर ने भारत विजय के रूप में, एक उपलक्ष्य के रूप में भारत में बनवाया था। यह है इस इमारत का वो सेंटर हॉल, मेन गुंबद जो कि नमाज के लिए प्रयोग होता था कभी। ये इस मॉन्यूमेंट की मेन एंट्री है अब, जो इस स्मारक में घुसने से पहले यूज होती है। और दिखाते हैं इसको हम आगे चलकर आपको कि इसमें से घुसने के बाद में कैसा दिखता है। ये देखिए लकड़ी के वे प्राचीन दरवाजे जो उस समय जब ये मॉन्यूमेंट बना था ये तब के लगाए हुए हैं, अभी तक उसी हालत में हैं। और जब हम अंदर चलते हैं तो ऐसा दिखता है, ये एक बुर्ज जैसा इसकी मेन एंट्री ऐसी दिखती है। ये देखिए इसका, इस बिल्डिंग का बिल्कुल टॉप एंड वहाँ से, और बाकी हिस्से देखिए आपको दिखाते हैं। ये इधर वो हिस्सा जो अब टूट गया है, और ये इधर इसके लेफ्ट साइड में एक बुर्ज। ये देखिए इस बिल्डिंग का, इस मॉन्यूमेंट का वो हिस्सा जो पिछला हिस्सा है वो आप देख पा रहे हैं। इस मेन मॉन्यूमेंट के, मेन सेंटर हॉल के बिल्कुल सामने एक चबूतरा बना हुआ आप देख पा रहे हैं। इसका नाम है चबूतरा फतेह मुबारक। ये हुमायूं ने सलीम शाह को हरा कर बाद में इस मेन बिल्डिंग के साथ में इस जगह को ऐड करवाया था, तो सलीम शाह पर जीत की खुशी में इस जगह को, इस चबूतरे को बनवाया गया। इसको हम आइए आपको अच्छे से दिखाते हैं। चबूतरा फतेह मुबारक जिसका अर्थ हिंदी में निकलेगा वो चबूतरा जो जीत के जश्न में बनवाया गया। अब मैं लाया हूँ आपको इस मॉन्यूमेंट के ऊपर, और नॉर्मली या किसी भी वीडियो में आपने ये सब यहाँ पर नहीं देखा होगा। ये हैं इसके छुपे हुए वे रास्ते जो आज तक आपने, जो आज तक आपको किसी ने नहीं दिखाए होंगे। हम हैं इस मॉन्यूमेंट के उस हिस्से में जहाँ पर नॉर्मली लोग आते नहीं हैं और जिनको इस जगह का पता नहीं है। ये देखिए अब आप बिल्कुल एक सुरंगनुमा रास्ते में घुसने वाले हैं। यहाँ से बाहर का व्यू देखिए, यहाँ से आगे चलेंगे। लोगों ने कांच वगैरह फोड़ रखे हैं यहाँ पर। ये हम इधर निकलाए, अब आपको इसके बिल्कुल टॉप साइड हिस्से पर लेकर चलते हैं जो कि चढ़ने में काफ़ी मुश्किल है। ये देखिए आप, हवा बहुत तेज़ चल रही है,
लेकिन यहाँ से बिल्कुल इसके टॉप से इसका व्यू देखिए। आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत के पहले मुगल स्मारक को, जो मुगलों ने अफगानों को हराकर इस देश पर विजय प्राप्ति के उत्सव के लिए उत्सव के रूप में बनवाया था। ये देखिए इसका जो मेन गुंबद है, इसका बिल्कुल ऊपर से व्यू। और अब आपको इस गुंबद के चारों तरफ देखिए, रास्ता बहुत संकरा है और हवा बहुत तेज है और ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप चलते रहिए मेरे साथ। आप देखिए ये यहाँ से एक व्यू, और हम आ गए हैं अब लौट कर वहीं जहाँ पर हम चले थे। इसके बिल्कुल टॉप से आसपास का व्यू देखिए। अब आपको बाकी बचा हुआ हिस्सा दिखाते हैं। देखिए ये बिल्कुल एक और रास्ता। कभी इन रास्तों पर वे सैनिक या पहरेदार चले होंगे जो इस इमारत की सुरक्षा करते थे या इस इमारत की सुरक्षा में जो तैनात रहते थे। उस जगह जहाँ पर एक रास्ता जाता है एक जीने की तरफ, और देखिए देखते हैं उसमें क्या है। अब ये एक पुराना रास्ता, और बाहर से गेट बंद है, और इसके इधर चलकर देखते हैं ऊपर। ये हम आ गए बाहर दूसरे हिस्से में इसके। यहाँ से आप इसकी टॉप और बाकी जगहों का व्यू देखिए। चलिए और आगे चलते हैं। ये आप इसके ऊपरी हिस्से से इसके बाहर का व्यू देखिए। आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत की वो पहली इमारत जिसको मुगलों ने भारत विजय के परिणाम स्वरूप अफगानों के ऊपर बनवाई थी। शाम को यहाँ पर बहुत सारे बच्चे वगैरह खेलते हैं, और काफ़ी दूर दूर से यहाँ बच्चे खेलने के लिए आते हैं, जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे। ये देखिए प्राचीन आले बने हुए हैं इसमें जगह जगह। इधर भी देखिए, और यहाँ से नीचाई देखिए। अब चलते हैं आगे, और अब हम आ गए हैं इसके पिछले हिस्से में।
अब आपको लेकर चल रहा हूँ कुछ और ऐसी जगह स्मारक की जहाँ पर अभी तक आप कभी नहीं गए होंगे। इसके पिछले हिस्से से इस जगह और इस स्मारक का व्यू देखिए। इस स्मारक अब एक आबादी भरे क्षेत्र में आ गया है, कभी ये खाली जगह में था। ये देखिए इसका मेन एंट्री, जिसका मेन एंट्रेंस है, वहाँ से लोग आ रहे हैं। अब आपको दिखाता हूँ इसका एक और हिस्से का व्यू। मदरसे पर लिखा हुआ बाबरी मस्जिद का एड्रेस, ये है इसका मेन गेट। मेन गेट से राइट हैंड साइड में साइन बोर्ड जो इस मॉन्यूमेंट के बारे में है। ये इसके आसपास के घर, क्षेत्र, पशु, दुकानें, इंस्टीट्यूशंस। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में हमें बताइएगा। तो मिलता हूं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।